तौन रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टू. दिस इज़ द रिव्यू ऑफ आवर टुडे ऑनलाइन क्लास एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक पेज 82. नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन से आप फेमिलियर होंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन जो है हम क्लास वन और प्रेप से करते आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जैसे टेबल ऑफ 2, 3, 4, 5. ठीक है, दिस इज़ द सेम लाइक टेबल के हम टेबल जिस तरह पढ़ते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का साइन है अपना, दैट इज़ साइन. दिस इज़ लाइक अ क्रॉस, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड टाइम्स. ठीक, हर एक चीज़ का अपना नेम होता है ना. इस क्रॉस के साइन का मल्टीप्लिकेशन में नेम है टाइम्स. ओके, नाउ द अदर नेम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आर टाइम्स, मल्टीप्लाई, लॉट्स ऑफ मीन बहुत सारा, क्योंकि इसमें आंसर हमारा बिगर आता है. एंड लास्ट नेम इज प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. नाउ हेयर आई हैव सम एग्जाम्पल फॉर यू. हेयर फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3 × 4 इज इक्वल टू 12. नाउ हाउ, ये कैसे आ गया? जैसे मैंने आपको बताया कि लॉट्स ऑफ, अब देखें यहाँ दिस इज ओनली वन डिजिट 3 × 4. जब हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास बहुत बड़ा आया, 12, टू डिजिट नंबर. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉट्स ऑफ. ठीक, नाउ 3, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 4 इज अनदर नंबर, एंड देन आर आंसर 12, एंड 12 इज प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ठीक है, 3 को मैंने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, या 3 का टेबल 4 तक पड़ा तो मेरे पास आंसर आया 12. ओके, नाउ आई हैव अनदर एग्जाम्पल फॉर यू, एंड दैट इज 2 × 3 इज इक्वल टू 6. 2 × 3 इज इक्वल टू 6. व्हेन आई मल्टीप्लाई 2 with 3, जैसे मैंने 2 का टेबल 3 तक पढ़ा तो मेरे पास आंसर आया 6. एंड दिस इज ऑल कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं. ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल से तो आप फेमिलियर होंगे. वाई? बिकॉज ये तो हम टेबल के फॉर्म में कर चुके हैं, प्रेप में भी और वन में भी. बट अब हमने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करना है, और वो कैसे, कि हमारे पास आता है डिजिट इन दिस फॉर्म. दिस इज कॉल्ड वर्टिकली फॉर्म. द फर्स्ट डिजिट इज ऑन अबव एंड द सेकेंड इज बीनीथ. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम इन दोनों में कोई भी टेबल पढ़ सकते हैं. 2 का टेबल आप 5 तक पढ़ सकते हैं, या 5 का टेबल आप 2 तक पढ़ सकते हैं. टू फाइव्स आर व्हाट? यस, 10. अब 10 को लिखना कैसे है? 10 को हम लिखेंगे, 10 इज 2 डिजिट नंबर, तो 10 का 1 जो है वो टेंस के हाउस में आ जाएगा. ठीक है, एंड 0 इन द हाउस ऑफ वंस, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. 2 × 5 इज इक्वल टू 10. टू फाइव्स आर टेन. ओके, नाउ आई हैव अनदर एग्जाम्पल, एंड दैट इज 6 × 4 और 4 × 6. कि हम जब 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, या 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 × 4 = 24. 24 इज द सेम 2 डिजिट नंबर, और इसको प्लेस कैसे करना है? 24 का 2 जो है वो टेंस के हाउस में आ जाएगा, और 4 जो है वो वंस के हाउस में आ जाएगा. ठीक है, 6 × 4 = 24.